वेलकम बैक इन स्टडी गुरु 99 यूट्यूब चैनल। ध्यान रखिएगा बेटा, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कक्षा 10 अभ्यास 5.3 की प्रश्न संख्या पढ़ी थी बेटा 13, ठीक है। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बेटा प्रश्न संख्या बेटा 14। समझ में आया ना, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कह रहा है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग निकालना है। क्या बेटा? 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग निकालना है। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, 0 और 50 के बीच विषम संख्या, तो सबसे पहली होगी बेटा 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद बेटा 7, 7 के बाद डॉट डॉट डॉट। अंतिम यदि विषम संख्या 50 के पहले देखा जाए तो कौन सी होगी बेटा? 49। विषम संख्या का पहले मैं वीडियो डाल चुका हूं, ठीक है, और उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, उसमें मैंने पूर्ण संख्याएं सब कुछ बताया है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अब कह रहा है के बीच विषम संख्याओं, अब सबसे पहले यहां पर ध्यान देना है विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले कुल पदों की संख्या यानी संख्या कितनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता है an बराबर फार्मूला क्या होता है, तो an बराबर फार्मूला होता है a+n-1 × d। हमें an पता है बेटा, गौर से देखिएगा, यदि देखा जाए तो a का मान कितना बेटा, तो a का मान कितना बेटा 1, और d का मान देखिएगा 2, 2 का अंतर है, तो d का मान बेटा 2, और an, तो an का मान कितना बेटा, तो 49, कितना बेटा 49। अब इसमें वैल्यू रख लीजिएगा 49 बराबर a का मान कितना 1+n, निकालना है माइनस का 1 × d, d का मान कितना बेटा 2, तो कितना आ जाएगा 49 बराबर कितना आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसको हल कीजिएगा तो 1+ कितना आ जाएगा बेटा 2n-2। समझ में आना, तो ध्यान रखिएगा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 49 इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, आ जाएगा बेटा माइनस का 1, प्लस का कितना बेटा 2n, इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो 49 से कितना आ जाएगा बेटा 50 बराबर कितना आ जाएगा बेटा 2n, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 50 बटे कितना 2, तो यानी कुल पदों की संख्या कितनी आ जाएगी बेटा 25, तो n बराबर कितना आ जाएगा बेटा 25। कोई दिक्कत इसमें? अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब कुल पदों का योग पूछा है, तो Sn बराबर फार्मूला होता है n/2 कोष्ठक में कितना बेटा 2a+n-1 × d। समझ में आना, तो s 25 का मान निकालना है, तो कितना आ जाएगा बेटा 25 बटे का 2 कोष्ठक में 2 गुणे a का मान कितना 1+n, n का मान कितना है बेटा तो 25, ठीक है, माइनस का कितना बेटा 1, और d का मान कितना बेटा 2। समझ में आना, तो कितना आ जाएगा बेटा s 25 = 25/2। समझ में आना, तो 2 कितना आ जाएगा बेटा 2+25 में 1 गया तो कितना आ जाएगा बेटा 24 गुणे कितना बेटा 2। समझ में आना, तो कितना आ जाएगा s 25 = ठीक है 25/2। समझ में आना, तो कितना आ जाएगा बेटा 2+, ठीक है 24 × 48, ठीक है। अब कितना आ जाएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, 48 और 2 = 50, तो s 25 = 25/2 × कितना बेटा 50, 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ठीक है, अब 25 का गुणा 25 में, तो s 25 = 625। समझ में आना, कितना आ जाएगा बेटा 625, 25 का वर्ग कितना बेटा 625। नोट डाउन।